अगर आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी है तो डोंट वरी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस करने के लिए तीन लाख रुपए तक का बिजनेस लोन इंस्टेंटली ले सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है खाता बुक खाता बुक लोन एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड एक एनबीएफसी कंपनी से लोन दिलाता है आपको जो कि काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलता है और खाता बुक ऐप से लोन लेने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल फोन से लोन अप्लाई करेंगे और इंस्टेंटली आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है सो आज इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं खाता बुक ऐप से लोन लेने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं क्या इंटरेस्ट रहता है कितना फीस लगता है और किस प्रकार से लोन को घर बैठे बैठे अप्लाई करना होता है ऑनलाइन तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस मोबाइल की स्क्रीन पर नमस्कार मेरा नाम मनीष प्रजापति आप आपका एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना तो गाइस अगर आप खाता बुक एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से खाता बुक एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में तो आप वहां पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए यहां पर 50 मिलियन से अधिक लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है 4.5 की रेटिंग है जो कि काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है यहाँ पर सिंपल सा आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ आता है सिंपल सा आप उसको डाल देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाता है अब जैसे आप ऐप को लॉगिन करते हैं तो अगर आपको लोन का ऑफर होगा तो इस प्रकार से एक पोस्टर शो हो जाएगा आपके सामने तो यहाँ पर आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखिए जैसे एप्लीकेशन आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक ऑप्शन शो होता है गेट टू थ्री लाख बिजनेस लोन आप इस से दस से लेकर के तीन लाख रुपए हो सकता है आपके लिए एक लाख रुपए मिले दो लाख मिले एलिजिबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा वैसे अगर आप लोन नहीं भी लेना चाहते हैं इस ऐप से तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही काम का है। अगर आपका शॉप है तो यहां पर आप अपना पूरा हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में रिमाइंडर वगैरह भी सेंड कर सकते हैं यहां से तो काफी अच्छा एप्लीकेशन है और ये, ये यूज करता हूं आप यहां पर दे सकते हैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं इसके अलावा अगर आपका शॉप भी नहीं है ना तब भी आप अपने घर के कुछ खर्च वगैरह हो गए या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो यहां पर पूरा हिसाब किताब आप मेंटेन कर सकते हैं और अगर आपका मोबाइल भी गुम जाता है कभी या फिर एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है तो भी आपका दूसरे फोन में भी अगर आप लॉग करेंगे इस नंबर से तो आपका पूरा डाटा वहां पर आ जाता है तो ये वैसे काफी यूजफुल एप्लीकेशन है तो फिलहाल हम आगे बात करते हैं लोन की तो यहाँ पर लोन का इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा आपको अगर स्टार्टिंग में लोन का ऑप्शन नहीं आता है आपको तो क्या करिएगा आपके इसमें कुछ अपने कस्टमर को ऐड करिएगा खुद के ही ऐड कर लीजिएगा मोबाइल नंबर वगैरह और वहां पर आप अमाउंट डाल दीजिएगा इस प्रकार से कितना अमाउंट आपको उनसे लेना है कितना दिया उन्होंने तो एक तरीके से मतलब अकाउंट को चालू कर लीजिएगा सो आपको इस प्रकार का लोन का ऑफर यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा यहां पर आपको लोन का ऑफर मिलेगा सिंपल सा आपको चेक ऑफर वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा यहां पर आप सारी परमिशन को अलाउ कर एक-एक करके थोड़ा सा यहां पर आप बेट करिएगा और इस प्रकार से यहां पर आगे ऑप्शन आ जाएगा देखिए स्टार्टिंग में हमें यहां पर तीन लाख रुपए तक का लोन को ऑफर दिया गया था फिर हमारी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया गया और यहां पर आप हमारे 66, लेना है दस हजार रुपए ले सकते हैं और अधिकतम जितना आपको मिला होगा उतना आप यहां से कर सकते हैं जैसे हमारे केस में छियासठ हजार मिला हुआ है तो छियासठ हजार कर सकते हैं आपके लिए हो सकता है दो लाख रूपये मिल जाए तीन लाख रुपए मिल जाए जितना भी अमाउंट मिलता है वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पर पचास हजार रुपये कर लेता हूं क्योंकि समझने में बड़ा आसान रहेगा इसके बाद देखो यहाँ पर आप एक बात समझिएगा जो आपकी यहाँ पर ई आएगी ना ये आपको पर डे पे करनी पड़ेगी पर्सनल लोन नहीं है ये बिज़नेस लोन है पर्सनल लोन में क्या होता है कि आपको पर मंथ ई पे करनी पड़ती है अपनी फिक्स एक डेट को लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है आपका बिजनेस के लिए लोन मिल रहा है तो जो आप बिजनेस में अपना इनकम करते हो पर डे उसमें से आप यहाँ पर अपनी ई पे कर सकते हो पर डे के हिसाब से आपको टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप कितने समय में लोन का ईम वापस करना चाहते हो यहाँ पर आपको बारह महीने का ऑप्शन मिल जाएगा ग्यारह महीने का दस महीने का नौ महीने का तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं पचास का लोन लेता हूँ इस ऐप से और बारह महीने का ई एम आई करता हूँ तो मुझे एक पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा ठीक है आगे हम बात करते हैं इंटरेस्ट वगैरह की तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट आपका टू परसेंट पर मंथ लगने वाला है पर मंथ है ये ईयरली नहीं है तो परसेंट पर मंथ इसका मतलब हुआ कि चौबीस परसेंट का इंटरेस्ट ईयरली यहां यहां पर पर लग जाएगा पर एनम के हिसाब से इसके अलावा पर आपको एक प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ता है तो पचास हजार रुपए के अमाउंट पर हमको यहां पर सोलह सो नवासी रुपए अस्सी पैसे का प्रोसेसिंग फीस लग रहा है उस पर हमारे लिए तीन सौ पैसे का जीएसटी भी लग रहा है तो अगर हम यहां पर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो टू पर मंथ यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है जिसके हिसाब से पचास हजार रुपए के अमाउंट पर हमारे लिए बारह हजार चार सौ अठहत्तर रुपए का इंटरेस्ट लग जाएगा तो इसका इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल फिक्स सब कुछ आपको पहले ही क्लियर कर दिया है यहां पर कोई हाइड एन चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा एक बात का बस यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपका प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी यहाँ पर शो रहा है ये आपके लोन में से कट जाएगा बाकी का जो लोन अमाउंट आपका बचा होगा वही आपके बैंक खाते में दिया जाएगा मतलब जैसे हम पचास हजार रुपए का लोन ले रहे पचास हजार रुपए के अमाउंट पर हमारा उन्नीस सौ तिरानवे रुपए यहां पर कट जाएगा बाकी का अमाउंट हमारे बैंक खाते में दिया जाएगा तो आपको सब कुछ यहाँ पर देख लेना है कितना ईम आई बन रहा है आपका क्या इंटरेस्ट लग रहा है अगर आपको लोन लेना है सिंपल सा आप एड बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसी बैंक में आपका पैसा आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है आई कोड डालना है बैंक का और सिंपल सा यहाँ पर नीचे आपको एड बैंक वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देना है ध्यान रखना है कि जो बैंक अकाउंट यहाँ पर आप दे रहे हैं ये जिस व्यक्ति के नाम से लोन ले रहे हैं उसी का होना चाहिए और कोशिश करें कि यहाँ पर आप ऐसा बैंक अकाउंट दें जिसमें आपके ट्रांजेक्शन वगैरह होते हों अब जैसे यहाँ पर आप अपना आई कोड डालते हैं तो यहाँ पर आपका ब्रांच का जो सिटी होगा आपको शो हो जाएगा सिंपल सा आपको एड बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है यहां पर इस प्रकार से बैंक आपका सक्सेसफुली एड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में एक रुपए क्रिएट किया जाएगा वेरीफाई करने के लिए और इसके बाद यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है अब आपको यहां पर अपने बिजनेस का नाम डालना है आपके बिजनेस का क्या नाम है तो जो भी आपका शॉप का नाम है वो यहां पर आप डाल सकते हैं या फिर आपके बिजनेस का अगर कोई अलग नाम है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कोई भी यहां पर डाल देता हूँ वैसे ही इसके बाद यहां पर आपको अपने फादर्स का नाम डाल देना है और सिंपल सा आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर आपको खुद की एक सेल्फी लेनी पड़ेगी यहां पर आपको टेक सेल्फ वाले ऑप्शन भी क्लिक करना है और यहाँ से कुछ परमिशन को अलाउ करने के बाद खुद की एक सेल्फी ले लेना है सेल्फी यहां से अपलोड हो चुकी है अब हमारे लिए अपना आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे सेंड ओटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओडीपी आता है उसको डालेंगे वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिजी लॉकर से हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है थोड़ा सा वेट करेंगे इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अब देखिए यहां पर हमारे लिए अपना ऑटो डेबिट सेट करना पड़ेगा तो यहां पर ई नच ऑप्शन आ जाएगा आपको सा इसको क्लिक रहने देना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटअप यूजिंग ई नच का इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं आधार कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग आप यहाँ पर तीनों में किसी से भी अपना ई e मैनिडेट सेट कर सकते हैं सिंपल सा आपको टर्म एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट करना है और जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा मैं आधार कार्ड से कर लूंगा इसको यहां पर और सबमिट वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देना है इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आता है सिंपल सा आपको कुछ डिटेल्स शो होती है आपको देख लेना है और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है अगर आप आधार कार्ड से कर रहे हैं तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड से कर रहे हैं

और उसको वेरीफाई करेंगे और इसके बाद आपका लोन यहाँ पर फाइनली बैंक अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाएगा अब यहाँ पर मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है तो मैं यहाँ पर इस लोन को कंटिन्यू नहीं करूंगा अगर आपको आवश्यकता है तो आप आगे लोन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैं अगर इससे आगे प्रोसेस करता हूँ तो मेरे सिबिल पर इफेक्ट पड़ेगा मेरा उद्देश्य बस आपको इस वीडियो में लोन अप्लाई करके दिखाना था चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो देखिए आपका आधार कार्ड पेन कार्ड आपको यहाँ पर लगेगा साथ में आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक बिजनेस का कोई आपको प्रूफ देना पड़ेगा जैसे कि नगर निगम का कोई प्रूफ है अगर आपके पास तो वो दे सकते हैं आप लोग गुमसता वगैरह है वो चल जाएगा अगर कुछ भी नहीं है ना तो क्या करिएगा आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं उद्यम आधार भी जिसको बोलते हैं तो वो भी यहां पर आप दे सकते हैं बिजनेस प्रूफ के तौर पर और आपका लोन यहां पर उससे आपको मिल जाएगा लोन लेने की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आपका कोई शॉप है छोटा मोटा शॉप ही क्यों ना हो तो भी आप यहां से लोन को अप्लाई कर सकते हैं बस आपका शॉप यहां पर होना चाहिए अगर कोई शॉप वगैरह नहीं है तो आपको यहां पर शायद लोन ना मिले क्योंकि बिजनेस लोन है अगर आपका बिजनेस नहीं है और आप इंस्टेंट लोन लेना चाहते तो हम कुछ एप्लीकेशनों के लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टेंटली क्लिक करके और अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आपको इंस्टेंटली लोन मिल जाएगा तो इस प्रकार से आप खाता बुक ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर देना चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में